मैं हूं अभिषेक साकरे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रिफ्रेश बटन के बारे में। जब आप विंडो में राइट क्लिक करते हो तब आपको रिफ्रेश बटन दिखता है, लेकिन ये असल में काम क्या करता है? तो देखो, अगर आप कंप्यूटर में कोई चेंजेस करते हो और चेंजेस करने के बावजूद वो चेंजेस आपको दिखाई नहीं देते, तब उस वक्त आप रिफ्रेश करोगे तो आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो कभी कभी सॉफ्टवेयर के आइकॉन आपको ठीक से दिखाई नहीं देते, उस वक्त आप रिफ्रेश करोगे तो आपको आइकॉन ठीक से दिखना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो कंप्यूटर खुद को रिफ्रेश करता रहता है। इन शॉर्ट, विंडोज़ में जो एरर और ग्लिचेस होते हैं उन्हें हम रिफ्रेश बटन से फिक्स कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ज़्यादा बार रिफ्रेश करने के बाद कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, तो असल में ऐसा नहीं है। रिफ्रेश बटन का काम सिर्फ एरर और ग्लिचेस को फिक्स करना है, ना कि कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना। तो आप एक बार रिफ्रेश करो या हज़ार बार रिफ्रेश करो, इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड नहीं बढ़ने वाली। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो।